असल में दोस्तों ये गाड़ी हमारे पास रिव्यू के लिए टोयोटा करोला एक्सएल आई 2015 मॉडल है, लाहौर की इसकी रजिस्ट्रेशन है और ये गाड़ी फॉर सेल है। ये गाड़ी बम्पर टू बम्पर जैनुइन है जी। सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रंट बम्पर की, तो इसका बम्पर हमें मिल रहा है जैनुइन हालत में, ओरिजिनल बम्पर। उसके बाद ये इसकी हेडलाइट्स, क्रिस्टल हेडलाइट्स हैं, इनमें सारे इंडिकेटर हैं जैनुइन हालत में, प्लास्टिक ग्रिल, टोयोटा का एम्बलम। गाड़ी जो है बम्पर टू बम्पर जैनुइन है, लश कंडीशन में गाड़ी है। ये इसका बोनट बिल्कुल स्क्रैचलेस, नीट एंड क्लीन, आप वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद ये इसकी विंड स्क्रीन हमें मिल रही है जैनुइन हालत में। गाड़ी का इंटीरियर और एक्सटीरियर काफी साफ सुथरा है, इसकी माइलेज भी बहुत कम है जी। उसके बाद बात करते हैं इसके फ्रंट फाइंडर की, तो ये इसका फ्रंट फाइंडर हमें मिल रहा है नीट एंड क्लीन। और ये इसके कवर, न्यू कवर, उसके ऊपर अलाउ कैप, साइड मिरर, साइड इंडिकेटर। और ये इसका ड्राइवर डोर, बिल्कुल जेन्युइन पेंट, ओरिजिनल पेंट। ये इसके हैंडल, ये बैक साइड वाला डोर, जेन्युइन पेंट, ओरिजिनल पेंट। और ये इसके कवर, न्यू कवर, उसके ऊपर अलाउ कैप। ये इसकी बैक साइड वाला फाइंडर हमें मिल रहा है लश कंडीशन में। ये इसकी छत आप देख सकते हैं, गाड़ी बम्पर टू बम्पर जैनुइन है। ये इसके सीलर आप देख सकते हैं, कंपनी फिटेड ओरिजिनल सीलर है जी। उसके बाद ये इसका प्लास्टिक मैनुअल अप डाउन स्टोरेज कंपार्टमेंट, और ये इसका ए पिलर, और ये इसका बी पिलर जी। ये इसका व्हील स्टीयरिंग। उसके बाद ये इसका आरपीएम मीटर, इसमें हमें स्पीडोमीटर मिल जाता है, माइलेज मीटर है, हीट की सुई है, फ्यूल की सुई है, क्लिमन कंट्रोलर मिल जाता है। इसकी माइलेज मैं आपको दिखा देता हूं, ये गाड़ी 15,215 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है जी, बिल्कुल जेन्युइन मीटर है, ओरिजिनल मीटर है। यहां पर मिरर कंट्रोलर और ये इसके एयर वेंट्स। इसका डैशबोर्ड मैं आपको दिखा देता हूं, इसका डैशबोर्ड जो है बिल्कुल नए जैसा डैशबोर्ड है, स्क्रैचलेस। और यहां पर एयर वेंट्स मिल जाते हैं, यहां पर भी एयर वेंट्स मिल जाते हैं। उसके बाद यहां पर कंसोल मिल जाता है, और यहां पर भी एयर वेंट्स मिल जाते हैं, डिजिटल क्लॉक मिल जाता है, सिंपल मल्टीमीडिया, क्लिमिंग कंट्रोलर। इस गाड़ी के अंदर एसी इंस्टॉल है और काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। मैनुअल ट्रांसमिशन, 5 फॉरवर्ड 1 रिवर्स, हैंड ब्रेक, और यहां पर 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, यहां पर भी कुछ स्पेस मिल जाती है। ग्राउंड से मैं आपको दिखा देता हूं, गाड़ी जो है लश कंडीशन में गाड़ी है। ये इसकी लेफ्ट साइड वाला डोर, पैसेंजर साइड वाला डोर, नीट एंड क्लीन। ये इसकी सीट, गाड़ी जो है लश कंडीशन में गाड़ी है जी। ये इसकी बैक साइड वाला डोर, इसका सीलर कंपनी फिटेड ओरिजिनल सीलर है जी। दैट्स मीन ये गाड़ी राइट साइड से अपनी ओरिजिनल हालत में है, जेन्युइन हालत में है। ये इसका प्लास्टिक आप देख सकते हैं, बिल्कुल नए जैसा। मैनुअल अप डाउन स्टोरेज कंपार्टमेंट, इसका ए पिलर, और ये इसका बी पिलर। राइट साइड से इसकी छत में आपको दिखा देता हूं, गाड़ी जो है बम्पर टू बम्पर जेन्युइन गाड़ी है जी। गाड़ी की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसमें 5 आदमी आराम से बैठकर ट्रेवल कर सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर हेड स्पेस और लेग स्पेस काफी कंफर्टेबल है, काफी ज्यादा मिल जाता है। इसकी रूप पोशेश मैं आपको दिखा देता हूं, ये इसकी रूप पोशेश है जी, बिल्कुल नए जैसी। ये इसकी बैक साइड वाला चौथा डोर, नीट एंड क्लीन। गाड़ी जो है लश कंडीशन में गाड़ी है। बैक साइड से इसकी लुक जो है कुछ इस तरह से नजर आ रही है, काफी खूबसूरत गाड़ी है जी। ये इसकी बैक लाइट्स, इनमें सारे इंडिकेटर हैं, क्रिस्टल बैक लाइट्स हैं, इनमें हमें पार्किंग लाइट्स मिल जाती हैं। ये इसकी बैक साइड वाला बम्पर, नीट एंड क्लीन, जेन्युइन पेंट। उसके बाद टोयोटा, टोयोटा का एम्बलम, करोला एक्सएलआई। और ये इसकी बैक साइड वाली विंड स्क्रीन, जेन्युइन कंडीशन में, ओरिजिनल कंडीशन में।
ये इसकी बैक साइड वाला लेफ्ट साइड वाला फाइंडर, स्क्रैचलेस, नीट एंड क्लीन, जेन्युइन पेंट। उसके बाद ये इसके कवर, न्यू कवर, उसके ऊपर अलाव कैप। ये इसकी बैक साइड वाला डोर, जेन्युइन पेंट, और ये इसका पैसेंजर साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला डोर, जेन्युइन पेंट, ओरिजिनल पेंट। ये इसका लेफ्ट साइड वाला फ्रंट फाइंडर हमें मिल रहा है, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल स्क्रैचलेस। और ये इसका फ्रंट कवर न्यू, और उसके ऊपर अलाव कैप। लेफ्ट साइड से इसकी छत मैं आपको दिखा देता हूं। ये इसका पैसेंजर साइड वाला डोर, इसका सीलर कंपनी फिटेड ओरिजिनल सीलर है। ये इसका प्लास्टिक, बिल्कुल न्यू प्लास्टिक, नए जैसा, मैनुअल अप डाउन, टोयोटा क्रोला XLi, स्टोरेज कंपार्टमेंट। उसके बाद ये इसका ए पिलर और ये इसका बी पिलर जी। ये इसकी बैक साइड वाला डोर, इसका सीलर कंपनी फिटेड ओरिजिनल सीलर है। दैट्स मीन ये गाड़ी लेफ्ट और राइट साइड से अपनी ओरिजिनल हालत में है, जेन्युइन हालत में है। ये इसका प्लास्टिक बिल्कुल नए जैसा, मैनुअल अप डाउन, स्टोरेज कंपार्टमेंट, और इसका ए पिलर और ये इसका बी पिलर जी। गाड़ी लश कंडीशन में गाड़ी है जी। ये इसकी बूट स्पेस आप देख सकते हैं, काफी ज्यादा हमें मिल रही है। ग्राउंड से मैं आपको दिखा देता हूं। गाड़ी लश कंडीशन में गाड़ी है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ये इसके कवर, पांचवा कवर, न्यू कवर। इसकी डिगी का सीलर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसकी डिगी का सीलर है जी, कंपनी फिटेड ओरिजिनल सीलर है। दैट्स मीन ये गाड़ी बैक साइड से भी अपनी ओरिजिनल हालत में है, जेन्युइन हालत में है। ये इसका इंजन आप देख सकते हैं, बिल्कुल नए जैसा। ये इसका इंजन है जी, बिल्कुल नए जैसा, टोयोटा क्रोला XLi। इसके सीलर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसके सीलर है, कंपनी फिटेड ओरिजिनल सीलर है, लेफ्ट और राइट साइड से। ये इसके सीलर कंपनी फिटेड ओरिजिनल सीलर है। उसके बाद बात करते हैं इसके रेडिएटर कोर स्पोर्ट की, तो ये इसके ज्वाइंट्स बिल्कुल जेन्युइन ओरिजिनल हालत में। उसके बाद बात करते हैं इसके बोनट की, तो इसके बोनट का सीलर कंपनी फिटेड ओरिजिनल सीलर है जी। दैट्स मीन ये गाड़ी अपने मेन फ्रंट से भी जेन्युइन है, इसका बोनट भी जेन्युइन है। ये इसके बोनट की इनर साइड। भाई गाड़ी इस तरह लग रही है जैसे अभी अभी शोरूम से निकल कर आ रही है, सिर्फ 15,000 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो इसके आनर की डिमांड है 21 लाख रुपए। इसके आनर की डिमांड है 21 लाख रुपए। अगर किसी भाई को ये गाड़ी पसंद है या फिर अच्छी लगे तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।